दोस्तों नूह की घटना अभी कोई उसे नहीं भूला। किस तरीके से मोमिनों ने, मुल्लाओं ने हिंदू शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करी। ठीक इसी तरीके से कुआं पूजने जा रही महिलाओं के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप फिर से एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन मुल्ला मौलवियों का हमारे बीच में रहना क्या हमारे लिए सही है। घर में खुशी का माहौल था, लड़का पैदा हुआ था। कुआं पूजने जा रही महिलाओं के ऊपर मदरसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे जिहादियों ने, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन इन मदरसों में बच्चों को जिहादी बनाने का काम ही चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए और महिलाओं को बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। जिस घर में खुशी का माहौल था मातम में बदल गया, क्योंकि महिलाओं के सर फूट गए, सर से खून बहने लगे। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, ये बहुत बड़ा सवाल है और हमारी आज की इस रिपोर्ट का मुद्दा है। मदरसों में चल क्या रहा है? इन मदरसों की दुकानों को कब बंद किया जाएगा? पूरे विश्व में पढ़ाने वाली साइंस एक तरफ और इन मदरसों में पढ़ाने वाली साइंस एक तरफ। आज दोनों ही विज्ञानों की बात करेंगे। पूरे विश्व में क्या पढ़ाया जा रहा है और मदरसों में किस तरीके से बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल को निचोड़ कर खड्डे में दबा दिया गया है। आज बात करेंगे मौलानाओं, मौलवी अनपढ़ों की, उन इलॉजिकल बातों की जिन्हें बिना समझे बिना जाने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इस तरीके से फिट कर दिया जाता है कि वह बच्चे जिंदगी में कभी किसी से सवाल नहीं पूछते। उन्हें बता दिया गया है ये काफिर है और तुम्हें इसकी गर्दन काटनी है। मजाल है वो बच्चा ये पूछ ले कि ये काफिर कैसे हुआ और इसकी गर्दन क्यों काटनी है। ये मदरसों में हो रहा है। विस्तार से रिपोर्ट में आगे बात करेंगे। आज बात करेंगे हेमंत बिश्व शर्मा जी के उस बयान के बारे में जो रिपोर्ट में आप शुरुआत में सुन चुके होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का वो बयान जो हम सभी को अपनी छाती गर्व से चौड़ा करने पर मजबूर कर देता है। सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में। हमारी रिपोर्ट अंत तक जरूर देखिएगा। चर्चा होनी चाहिए इस बात पे, जरूर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। दोस्तों हेमंत बिश्व शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने एक बयान में साफ कर दिया है कि यदि मुख्यमंत्री बनकर मैंने बाबर और औरंगजेब की उन औलादों को खत्म नहीं किया तो मेरा मुख्यमंत्री बनने का क्या फायदा, मैं मुख्यमंत्री ही इसलिए बना हूं। उन्होंने साफ कर दिया, मेरी सरकार बनते ही अधिकारियों के फोन आए, भैया तनख्वाह चाहिए मौलानाओं को, तनख्वाह चाहिए मदरसों के अध्यापकों को। बोले कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। डॉक्टर और इंजीनियर बनाओगे तो तनख्वाह मिलेगी, मुल्ला बनाने की कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी असम में। साफ कर दिया हेमंत बिश्व शर्मा जी ने। अब हेमंत बिश्व शर्मा जी का ये बयान और कुआं पूजन वाली घटना से आप समझ गए होंगे काफी हद तक कि मदरसों में क्या चल रहा है। दोस्तों मदरसे एक ऐसी जगह है जहां पर छोटे छोटे बच्चों को जिहादी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है। मदरसे वो जगह है जहां पर एक बच्चे को सिखा दिया जाता है कि सामने वाला गैर मुसलमान है, ये इंसान नहीं है, इसका गला काटो, इसका बलात्कार करो, लड़की है तो गुलाम बना लो, बलात्कार करो, जिहाद करो, बच्चे पैदा करो, मार दो, युवा है तो काट दो, लेकिन प्यार से मत बुलाओ क्योंकि ये काफिर है। मजाल है वो बच्चा इसके ऊपर सवाल भी पूछ ले कि ये काफिर कैसे हुआ और इसे मारना क्यों है। क्यों? क्योंकि इन्हें पढ़ाए जाने वाला विज्ञान कुछ अलग ही लेवल का है। जो विज्ञान हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो वाला विज्ञान नहीं पढ़ते ये। इनका विज्ञान ये है, यदि इन्हें आपने कह दिया कि हिंदू काफिर है, सेक्युलर केवल भारत में है, सेक्युलरिज्म, इस्लामिक कंट्रियों में कोई सेक्युलरिज्म नहीं है, धरती चपटी है तो चपटी है, आपने इन्हें कह दिया आपको हाथ ऐसे नहीं ऐसे जोड़ने हैं, आप ऐसे ही जोड़ने हैं,
आपने इन्हें बता दिया कि नदियां उल्टी बहती हैं तो इनके लिए उल्टी बहती हैं, सीधी बह ही गई तो वो गलत है। ये दोनों विज्ञान एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। और यदि किसी मुसलमान बच्चे ने उस विज्ञान को कंसिडर कर दिया तो ये एक दूसरे से क्लैश हो जाएंगे और वो बच्चा फिर उसका क्या होगा कुछ नहीं पता। हालांकि ये बहुत अलग कंडीशन है। इस विज्ञान में बच्चे के इंटेलेक्चुअल लेवल को इस तरीके से निचोड़ और खचोड़ दिया जाता है कि बच्चा जिंदगी में कभी सवाल नहीं करता, वो कभी कोई सवाल नहीं पूछेगा, उसे आपने जो कह दिया वो सही है। और जहां सवाल पूछने बंद हो गए वहां पर सारे लॉजिक खत्म हो गए। जहां लॉजिक खत्म हो गए, फैक्ट्स खत्म हो गए, वहां दिमाग दिमाग नहीं रहता। दिमाग में केवल भूसा भरा जाता है, एक ऐसा भूसा जिसका बोझ वो पूरी जिंदगी ढोता है। एक ऐसा विज्ञान जो अपने इतिहास के बारे में भी नहीं जानता, एक ऐसा इतिहास जिससे पढ़ने की भाषा तक उस बच्चे को नहीं सिखाई जाती। अरबी भाषा में लिखी कुरान है, अरबी भाषा में लिखी हदीसें हैं, किसी बच्चे को आती भी नहीं होगी। बिना अपने इतिहास को पढ़े, बिना अपने इतिहास को जाने, उसे इस तरीके से आधे अधूरे ज्ञान के साथ ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, फिर लैंड जिहाद, लव जिहाद, इसके अलावा कुछ उस बच्चे को नजर नहीं आता। तमाम मुल्ला मौलवियों से मेरा एक सवाल है, आप अपने इतिहास को सही बताते हैं ना, तो आपके इतिहास में ये कूट कूट कर लिखा है महिलाओं के साथ क्या किया जाता है। महिलाओं को केवल स्लेव समझा जाता है। स्लेवरी सिस्टम आपके इस्लाम में कई सौ साल पहले से है और आज उस स्लेवरी सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन आया है। स्लेवरी सिस्टम अल्ट्रा प्रो मैक्स इज इक्वल्स टू लव जिहाद, जो आपका हर एक नौजवान कर रहा है, जिसकी शिक्षा आप मदरसों में देनी शुरू कर देते हैं और वही चीजें सारी इस देश में हो रही हैं। बिना सवाल जवाब करे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने एक बच्चे का दिमाग इस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया जाता है छोटी उम्र में कि बड़े होकर वो इस तरीके की हरकतें करता है और मदरसों में ये सारी चीजें हो रही हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने सही कहा था, मदरसों का होना देश के लिए खतरा है। आप खुद सोचिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यदि ये मदरसों वाला विज्ञान पढ़ा होता, क्या वो कभी साइंटिस्ट बन पाते? क्या वो एटम बम का निर्माण कर पाते? क्या हमारे देश को परमाणु दे पाते? वो सवाल नहीं पूछते, तुम अपनी जिंदगी में क्या करते? और जहां सवाल खत्म हो जाते हैं वहां जिंदगी तबाह हो जाती है, जो इस्लाम में पैदा होने वाली हर बच्चे की, हर नौजवान की हो रही है। इनकी नजरों में केवल एक धर्म है, इस्लाम। काफिरों को जीने का कोई अधिकार नहीं, काफिरों को मार दो। और अब इसके खिलाफ सख्त एक्शन उठाए जा रहे हैं। आसाम में हम सभी ने देखा नूह वाली घटना में क्या हुआ, इन्हें ऑर्डर मिले, ये पत्थर मारने शुरू हो गए चिंपैंजियों की तरह। नूह से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो एक गांव में कुआं पूजन हो रहा था, बच्चों को ऑर्डर दे दिए तो पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। क्या सोचा था, इन्हें सजा नहीं मिलेगी, इन्हें जुवेनाइल होम भेजा जाएगा, सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, और जिस व्यक्ति ने इन्हें ऑर्डर दिया है उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी, सारी चीजें अच्छे से होंगी, स्टेप बाय स्टेप होंगी। लेकिन यहां पर जिस तरीके से इन लॉजिकल बातें कर कर बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, ये मदरसों में बहुत भयंकर साजिशें चल रही हैं। मदरसों में चल रहे इन कुकर्मों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।